नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर एक थे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर एक है 3 sin inverse x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, 3 sin inverse x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा। जब x बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें आर एच एस साइड ले लेंगे। आर एच एस हमारी साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब हम x के स्थान पर साइन थीटा रख देंगे, क्योंकि x के स्थान पर हम साइन थीटा रख देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x के स्थान पर साइन थीटा माइनस 4x के स्थान पर साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। अब एक सूत्र होता है साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 sin θ - 4 sin³θ। अब हम इतने के स्थान पर हम साइन 3θ रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3θ। अब हम साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, और यह है साइन 3θ। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा 3θ। थीटा बराबर हमने क्या माना था, थीटा बराबर हमने माना था साइन इनवर्स x, तो हम इसमें मान रख देंगे, तो 3 sin inverse x। ये हो जाएगी हमारी एल एस साइड, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है 3 cos inverse x बराबर cos inverse 4x³ - 3x। सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना x बराबर मानेंगे हम इसमें cos θ। उसमें हमने x बराबर साइन थीटा माना था, इसमें हम x बराबर cos θ मानेंगे, क्योंकि इसमें cos है, इसलिए x बराबर cos θ। तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos inverse x। अब हम इसमें आर एच एस साइड ले लेंगे, आर एच एस हमारी cos inverse 4x³ - 3x। अब हम x के स्थान पर हम cos θ रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos inverse 4x के स्थान पर cos θ, तो ये हो जाएगा क्यूब है, तो क्यूब हो जाएगा cos³θ - 3x के स्थान पर cos θ। अब एक सूत्र होता है cos³θ बराबर होता है 4 cos³θ - 3 cos θ। अब हम इतने के स्थान पर हम cos³θ रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos inverse इतने के स्थान पर हम cos³θ रख देंगे, क्योंकि cos³θ का सूत्र है, इसलिए cos³θ। अब हम cos inverse को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और क्या बचा cos³θ। cos का cos कैंसिल, तो क्या बचा 3θ। थीटा बराबर हमने क्या माना था, थीटा बराबर हमने माना था cos inverse x, तो हम इसमें मान रख देंगे, तो हो जाएगा 3 cos inverse x। ये हो जाएगी हमारी एल एच एस साइड, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन तीन है 10 inverse 2/11
प्लस टैन इनवर्स 7/24 बराबर हमें सिद्ध करना है टैन इनवर्स 1/2। अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy। ये इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये रहा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy। अब इसमें x है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा इतना y, तो टैन इनवर्स x क्या है इसमें 2/11 प्लस y क्या है इसमें 7/24 x क्या है इसमें 2/11 गुना y क्या है इसमें 7/24। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स। अब 11 इसमें ले लेगा ऊपर लेस है, ऊपर ले लेगा लेस है, 11 और 24 का लेस आएगा 264 अब ये हो जाएगा 48 प्लस 77 अब नीचे 1 - 1 अब 2 * 2 और जब 24 को 2 से भाग देगा तो ये कटेगा 12 बार, तो 1 - ऊपर क्या बचा 7, नीचे 11 * 12 अब टैन इनवर्स 48 प्लस 77 ये हो जाएगा 125/264 अब 11 * 12 कितना होता है, 11 * 12 होता है 11 * 12 132 132 ही कम 132 - 7 तो 132 - 7/132 यहां भी हमने लेस लिया है, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 125 / 264 / 132 - 7 = 125/132। अब हम अंदर अंदर की गुना कर लेंगे और बाहर बाहर की कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स अंदर अंदर की बाहर बाहर की 125 * 132 / 264 / 125 / 264 / 125। अब 125 से 125 कैंसिल, तो क्या बचा पर 132, तो टैन इनवर्स ऊपर बचा 132 / 264 132 ही कम 132 / 232 = 264 तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1/2। ये हमें सिद्ध करना था, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन चार है 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7 सिद्ध करना है हमें टैन इनवर्स 31/17। अब अगर यहाँ पर 2 ना होता है, अगर यहाँ पर 2 ना होता तो हम टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते, पर लेकिन यहाँ 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है ये रहा, 2 tan inverse है ना, ये इस 2 को हटाने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 tan inverse = tan inverse 2x / 1 - x2। तो 2 tan inverse 1/2 =
टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा। ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई, तो लगा देंगे टेन इनवर्स टू एक्स क्या है हमारा एक बटा टू बटे वन माइनस एक्स क्या हमारा एक बटा दो का वर्ग। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इस दो से ये दो कैंसिल, टेन इनवर्स ऊपर बचा वन बटे वन माइनस एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार। तो टेन इनवर्स ऊपर बचा वन, अब चार एकम चार, चार में से एक गया तीन, तीन बटे चार। अब इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स चार बटा तीन, चार बटा तीन। तो ये क्या, ये माना हमारा जो आया वो आया टू टेन इनवर्स वन बाई टू। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स चार बटा तीन प्लस टेन इनवर्स वन बाई सात, टेन इनवर्स वन बाई सात। अब हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स इकतीस बटे सत्रह। अब हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स क्या हमारा चार बटा तीन प्लस वाई क्या हमारा एक बटा सात बटे वन माइनस एक्स क्या हमारा चार बटा तीन गुना वाई क्या हमारा एक बटा सात। अब ऊपर ले लेगा हम लेस है एलसीएम, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा लेस है इक्कीस, तो ये हो जाएगा अट्ठाईस प्लस तीन बटे वन चार एकम चार सातिया इक्कीस। तो टेन इनवर्स अट्ठाईस प्लस तीन इकतीस बटे इक्कीस। अब यहाँ भी ले लेगा हम लेस है इक्कीस एकम इक्कीस माइनस चार, इक्कीस में चार गए सत्रह, सत्रह बटे इक्कीस। अब अंदर अंदर की गुना कर लेगा और बाहर बाहर की, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इक्कीस गुना सत्रह। इक्कीस से इक्कीस कैंसिल, तो टेन इनवर्स इकतीस बटे सत्रह, ये हमें सिद्ध करना था, ये हो जाएगा हमारा आंसर।